जी हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम जॉब के थंके। तो दोस्तों, सीटेट के फॉर्म का वीडियो हमने कंप्लीट बना दिया है, जिसमें हमने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सेपरेट वीडियो इसका सिग्नेचर का बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है सिग्नेचर अपलोड करने में। फिलहाल मैंने अपने फॉर्म में अपलोड कर दिया है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए, मेरा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फ़ोटो अपलोड हो चुका है, और सिग्नेचर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिग्नेचर भी मेरा अपलोड है। तो इसे किस तरह से हमने डिसाइड किया है, आपको इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर आपको फ़ोटो खींच के रख लेनी है, जैसे कि मैंने अपने केस में यहाँ पर रखा हुआ। देखिए, ये मेरी फ़ोटो जो है वो लगभग 2 MB की है, और साइन जो है हमारा वो 40 KB का है, और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर कोई वीडियो में बिना नोटिफिकेशन के नहीं बनाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ मांगी गई है, 4.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। यहाँ पे 100 KB लिखा गया है, लेकिन 200 KB तक ये एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का आपका 3 से 30 KB के बीच होना चाहिए, विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको रिसाइज करके दिखाते हैं। तो रिसाइज करने के लिए एक वेबसाइट मैं आपको बताऊँगा, iamresizer.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एकदम आसान तरीके से आप बिना किसी परेशानी के इसमें आप एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है फाइल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, फ़ोटो को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जहाँ इंच लिखा है यहाँ पे सेंटीमीटर कर देंगे, विड्थ की जगह पे 3.5 कर देंगे, हाइट की जगह पे 4.5 कर देंगे। सिर्फ इतना आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर साइज़ के लिए शो एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर KB में रहना देना है। यहाँ पर देखिए, 200 के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100, देखिए यहाँ पे आपको 200 का ऑप्शन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 200 लिखा गया है, नोटिफिकेशन में 100 दिया है, तो 200 तक एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैं 180 कर देता हूँ, या मैं जल्दी 200 ही करके आपको दिखाता हूँ। 200 मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधे ऊपर आना है, नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। वैसे इनको ऑप्शन नीचे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऊपर दिया है। अब देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है 178 KB का। अब हम इसी तरह से न्यू करेंगे फ़ोटो, और यहाँ से हम सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। ठीक, सिग्नेचर के लिए हमें क्या करना है, इस हाइट को सिर्फ 1.5 कर देना है बस, यानी सिग्नेचर हमारा 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, बाकी चौड़ाई उतनी ही रहेगी। KB में यहाँ पे हमको 30 कर देना है, बस इतना करना है। आपका 1 सेकेंड में फ़ोटो साइन दोनों रिसेज हो चुका है। देखिए हो गए हैं, अब इनको आप रिनेम कर लीजिए। रिनेम कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पर रिनेम किया हुआ है फ़ोटो और यहाँ पर साइन। ठीक, ये हमने रिनेम कर लिया है। अब इनको भी दोनों सेम ही हैं, तो आप चाहें करें तो अच्छी बात है, कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है रिनेम बिना किए नहीं लेता है। अब हम यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, और हमने देखिए एक बार इसको चलिए ट्राई करते हैं, फ़ोटो को हम जो डाउनलोड हुई है इसी को लगा के। अब यहाँ पे देखिएगा, आप इस तरह से रिसाइज करेंगे तो ये सेट होगा, लेकिन हमको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे, बस ऊपर हमको कुछ नहीं करना है, कैसे भी दिखे। उसके बाद हम यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे। आपके केस में अपलोड आएगा अगर आपने पहली बार कर रहे हैं तो, चूंकि मैं इसके पहले कर चुका हूं, इस वजह से यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इमेज या फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज हमें मिल गया है, हो चुकी है। अब यहाँ से हम सिग्नेचर को करते हैं और अपलोड ओरिजिनल, देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन हम यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल करेंगे, चूँकि हमने रिसाइज किया हुआ है सही से, और यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है। अपडेट पर क्लिक करेंगे, अब ये भी देखिए अपलोड हो चुकी है। अब दोनों चेक करके यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने बनाया हुआ है वही यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप फ़ोटो साइन दोनों रिसाइज कर सकते हैं। बस ध्यान देना है आपको यहाँ पे, एक बार बिना रिनेम करने से भी अपलोड हो जा रहा है, लेकिन आप रिनेम कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर क्लियर रहता है कि ये हमारा फ़ोटो ही है, क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ जब हम सिग्नेचर रखते हैं तो हमें क्लियर रहता है कि यहाँ पर हमने सिग्नेचर ही रखा हुआ है, तो दूसरी फाइल यहाँ पे आने का चांस नहीं रहता है। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, और एक बार हम प्रीव्यू पे भी यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा फ़ोटो साइन सही से आया है या नहीं। बस इसके बाद सारे चेकबॉक्स को आपको क्लिक करना है और सबमिट कर देना है, पेमेंट कर लेना है, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तब तक